सभी, आई होप गुडविल को हमने स्टार्ट दे दिया होगा। गुडविल का हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझ लिया था लास्ट लेक्चर में, और सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से अब तक समझ आ गया होगा। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। उससे पहले एक और बात हमें करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बच्चा कह रहा है मैम दोबारा से एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा रहे हो। हाँ जी, दोबारा से एवरेज प्रॉफिट मेथड एक बार पढ़ेंगे कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, देखो जी उसका दो पार्ट्स में डिवीजन है। एक तो आपका सिंपल एवरेज को जो हमने कल समझा था, दैट वॉज योर सिंपल एवरेज। एक आता है हमारे पास वेटेड एवरेज, ठीक है ना। इजी है दोनों, कोई भी टफ बात नहीं है। एक बार डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि हमारा काम है सारे टॉपिक्स को पढ़कर जाना, और वो भी अच्छे से पढ़कर जाना। सो इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी। सो देखो जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि मेरा फॉर्मूला है, मुझे चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है ना। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या वे है, ये मुझे लगता है सबको पहले से ही आता है कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या मतलब है कि वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे निकल कर आएगा उन सब का सम करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल ऑफ वेट से। एक एग्जांपल लेंगे एंड देन वी विल कम टू सुपर प्रॉफिट मेथड। उससे पहले एग्जांपल ले लो कि हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं फॉर, देखो जी हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 ईयर्स के, ठीक है ना। 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें सेपरेटली ईयर्स दिए हुए हैं गुडविल के अकॉर्डिंग, गुडविल को उसी से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल में उसी से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई मत कर देना। बेसिकली हम लोग एग्जाम में यही मिस्टेक कर कर आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अब क्या है, अब हमें क्या बोला है, द वेट्स टू बी यूज आर, वेट्स देखो हमें क्या दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमें वेट्स दिए हुए हैं, और हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। सो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे जिस प्रोडक्ट का हमें सम करना है, ठीक है ना। ये देखो हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए थे और जो हमें वेट्स दिए हुए थे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स निकलते जाएंगे। अब इन सभी प्रोडक्ट्स का सम कर दो, ठीक है। सब सम करने के बाद टोटल ऑफ वेट्स, इन वेट्स का टोटल कर दो, जो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 15। एंड देन क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा 65,600। अब गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर हमें दिए गए थे 2। सो ये थी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये निकल कर आ गया हमारा आंसर। क्लियर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ईजी था, सबसे ईजी तो यही था। चलो जी अब बात करनी है हमें आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, फॉर्मूलाज पे बाद में जाना। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट होगा, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट तो चलो हो ही जाएगा फॉर श्योर, बट मुझे प्रॉफिट हो गया मान लो 50,000 का, मान लो मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो 30,000 का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि ये तो मेरा सुपर प्रॉफिट है, और है भी 30,000 का प्रॉफिट कोई कम थोड़ी है, 20,000 का मैंने सोच के चली और हो गया मुझे 30,000 का प्रॉफिट, सो इसको मैं क्या बोलूँगी, अपना सुपर प्रॉफिट बोलूँगी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताना कि ये सुपर प्रॉफिट जो तुमने 30,000 कैलकुलेट करा, ये कैसे करा, सुपर प्रॉफिट 30,000 मैंने निकाला, ठीक है ना, मुझे हुआ कितना प्रॉफिट 50,000 का, ठीक है ना। इसमें से क्या माइनस किया हमने, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 20,000 का प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं है इस बात में। चलो जी इस बात को देख कर चलना, अभी इस बात को दोबारा से रिमाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला इसी से निकल कर आ रहा होगा। अब गुडविल का फॉर्मूला मुझे बता दो क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है हमें, गुडविल में सुपर प्रॉफिट पूछा है, सो सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट का यही फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी ऊपर समझा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट मुझे हुआ
माइनस जो प्रॉफिट मैंने एक्सपेक्ट करा था। सो उससे जो एक्स्ट्रा होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा, यही फॉर्मूला हमने ऊपर सीखा। इतनी बात क्लियर होती है सभी को? अब चलो जी, अब हमें क्या दिख रहा है फॉर्मूला में? फॉर्मूला में हमें दिख रही है टर्म्स, दो टर्म्स दिख रही हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट, जो एग्जांपल हमने लिया उसमें तो हमें सारी बातें चलो पता थी। अब अगर ऐसा होता है कि हमें बातें नहीं पता तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आता है, क्लियर है, बट नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमें नहीं दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला दो। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि जो रेट मैंने एक्सपेक्ट किया था, मान लो मैंने इतना इन्वेस्ट किया है तो इतना मुझे एक्सपेक्टेड है, इस रेट पर मुझे एक्सपेक्टेड है, दैट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमें ऐसे निकालना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट में भी एक नई टर्म आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला भी मैम बता दो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होते हैं? हमारे नेट एसेट्स, ठीक है जी, नेट एसेट्स होते हैं बेसिकली, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो हमारा फॉर्मूला रहता है कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अगर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है क्वेश्चन में सो इनको ऐसे कैलकुलेट कर देना, नहीं तो अगर डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दी है तो सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे ही पुट कर देंगे। क्लियर होती है सुपर प्रॉफिट की कहानी? ईजी थी बात, फॉर्मूला भी याद करने की नीड नहीं, हम दिमाग से ये फॉर्मूला समझ सकते हैं। क्लियर है? चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 70,000, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। अब ये 5,000 के एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या करना है ये मुझे आप बताएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन दी थी, कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। सो 5,000 का क्या करना है हमें, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है हमें डिडक्ट करना है। क्यों करना है ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड हमें बताई गई है 5,50,000, ठीक है जी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया गया हमें 10%, ठीक है जी। अब कैलकुलेट करनी है गुडविल 4 times ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजियस। सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर है? अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना है, हमें दिया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 70,000, जिसमें कि अब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 70,000 माइनस 5,000 कर दोगे, माइनस 5,000, ठीक है जी, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 65,000, कोई भी डाउट नहीं है इस बात में। नेक्स्ट हमें कहा है नेट प्रॉफिट निकाल के लाओ। नेट प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 5,50,000 इंटू 10%। सो ये हमारा निकल कर आ जाता है कितना, 55,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 10,000, सो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम हमारे 4 से, तो ये हमारा 40,000 गुडविल निकल कर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है कि 40,000 गुडविल कैसे आई? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करके आना, क्वेश्चन तो हमें प्रॉपर वे में करके आना है पूरे। सो क्वेश्चन हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा सबसे पहले गुडविल, हमें देखो कैसे दें, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजियर ऑफ परचेजियर, ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे दैट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारी है 70,000 माइनस 5,000, ठीक है जी, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 65,000। देन हमारे पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो दिस इज योर 5,50,000 इनटू 10%, सो ये हमारा निकल कर आ जाता है 55,000, कोई भी डाउट नहीं है इस बात में। चलो अब देखेंगे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
सो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 10,000। सो ये जो 10,000 का सुपर प्रॉफिट हमारा निकल कर आया, इसको पुट कर देना गुडविल वाले फॉर्मूला में 10,000 × 4। सो आंसर हमारा निकल कर आ जाता है 40,000। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सारी बातें सभी को, सुपर प्रॉफिट मेथड भी आज हमें आ गया। कोई भी डाउट आपको रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो लास्टली एक क्वेश्चन और करके जाएंगे क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखो जी क्या दिया है, An existing firm had assets, हमें assets बता दिए 75,000 के, including cash of 5,000। अब assets में cash included है तो इसमें कोई issue तो नहीं है, कहीं पर भी कोई issue लग रहा है आपको assets में cash का include होना? कोई issue नहीं है, ये सिर्फ हमें confuse करने के लिए line बताई गई है, इसीलिए मैंने आपको ये question कराया। The partners capital accounts showed a balance of 60,000। अब ये 60,000 जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इसका भी हमें कोई यूज़ नहीं करना, सिंपली ये भी हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट इफ द नॉर्मल, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल जो है हमें दी गई है 24,000 फोर ईयर्स की। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की बातों से कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, कर सकते हैं इतना काम हम। सो देखो जी गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू फोर ईयर्स ऑफ परचेज। अब फोर हमें पता है, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, गुडविल की वैल्यू भी हमें पता। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तक जाना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहाँ पर है, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में है। तो हम ये बात सोच कर चलेंगे कि हमें एक तो सुपर प्रॉफिट मिल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है। सो जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट को हमने फाइंड आउट कर लिया कहाँ से, गुडविल हमें दी हुई थी तो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया, 6,000 हमारे पास आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है कितनी है, सो दिस इज योर 75,000। सो ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, ठीक है ना। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया 6,000 है, ठीक है जी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमें फाइंड ही करना है, सो डिडक्ट करेंगे हम क्या, नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 7,500। अब क्या करोगे, इक्वेशन वाली बात हो गई। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 7,500 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 प्लस 7,500, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 13,500। कोई भी डाउट नहीं है इस बात में, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। सो आई होप आज के सेशन को सभी ने इंजॉय किया होगा। सो लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स ताकि आप स्टडीज को एंजॉय कर सके, एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट क्विजेस असाइनमेंट्स एंड मैनी मोर, एंड आपके लिए चैप्टर वाइज सिलेबस भी रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं जैसे कि अपडेट आते जाते हैं, एंड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हेयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। एंड आपका जो सुपर प्रॉफिट मेथड की स्टोरी है वो एंड होती है यहाँ पर, एंड हम नेक्स्ट प्रॉफिट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड जो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन द next lecture.